शायस किचन में खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मज़ेदार शामी अंडा बर्गर। ठीक है, इस शामी कबाब की रेसिपी मेरे पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिया है चने की दाल। ठीक है, उसको मैंने पानी में डिप किया हुआ था। उसके बाद हम ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे मटन। आप बीफ के बनाएं या चिकन के, किसी के भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी ये अवेलेबल था तो मैं ये ले रही हूँ। उसमें अब स्पाइसेस में जो जाएगा वो है चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर और नमक। ये सब इसमें जाएगा पहले। लहसुन, अदरक, एक अदद प्याज और हरी मिर्चें। सबसे पहले मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी, 5 मिनट इसे प्रेशर दूंगी, ये सारे स्पाइसेस, लहसुन और प्याज डाल के। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं जनाब। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये मटन। ठीक है, इसमें सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो भी ऐड हो जाएंगे। ये इसमें लहसुन चला जाएगा, अभी हम अदरक नहीं डाल रहे। ये प्याज एक अदरक जो मैंने लिया था, मैंने इसे काट लिया था। अब इसमें 2 ग्लास पानी भी जाएगा, 2 ग्लास पानी ऐड कर लें और इसे आपने 10 मिनट प्रेशर देना है। 10 मिनट प्रेशर, मैं पहले 5 मिनट बोल गई थी, आपने 10 मिनट देना है। अगर आप चिकन के बना रहे हैं तो चिकन और दाल को इकट्ठा आपने बुशामी बन जाएंगे, प्रेशर देंगे, लेकिन ये मटन और जो बीफ होता है इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पहले मटन को इस तरह जैसे मैं दे रही हूँ, इसी तरह बीफ को भी आप प्रेशर दे सकते हैं। चल जी, मैं प्रेशर दे लूँ, फिर आपको जो इसकी लुक आएगी मैं आपको दिखाती हूँ। हाफ कुक हो चुका है, गल चुका है यानी, और अब हम इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। बाकी का जो ये गलेगा वो दाल ऐड करेंगे तभी हो जाएगा। 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसे इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। दस मिनट प्रेशर देंगे इसे। नहीं जी, ये प्रेशर देने के बाद कुछ इसकी ये कंडीशन है। अब हम इसे चॉपर में चॉप करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए, फिर उसके बाद शामी बनाएंगे और फिर बर्गर की तरफ जाएंगे। बर्गर का तो ये शामी बन चुके हैं, बिल्कुल मैंने उन्हें शेप भी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ये शामी अंडा बर्गर के लिए लंबे वाले बर्गर चाहिए होते हैं तो मैंने वो ही लिए हैं, आप भी यही लीजिएगा। और कुछ अंडे हैं जो शामी डिप करने के भी काम आएंगे और वो फिर अंडा जो हमने ऑमलेट बनाना है उसके भी, और जो चीज़ें जाएंगी उसमें बर्गर में वो है बंद गोभी और प्याज, दैट्स ऑल, यही चाहिए। और मैं इसे कटिंग कर लूँगी इसकी, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ। बर्गर बनाने लगे हैं हम, तो सबसे पहले हमें शामी चाहिए, वो एग में डिप करके हम डाल रहे हैं। ये मैंने 6 से 7 अदर एग लिए थे तो उसमें मैंने नॉर्मल नमक, मिर्च और गरम मसाला ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने 4 गर्ज मसाला भी ऐड किया है ज़रा अच्छे टेस्ट के लिए, और हरी मिर्चें, दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है, आपने इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी क्योंकि ये सिर्फ कम स्पाइसी अंडा ही अच्छा लगता है बर्गर में। अब शामी बना लें, फिर नेक्स्ट जो स्टेप है मैं आपको बताती हूँ। अंडा बनाने की शामी बन चुके हैं, अब बनाते हैं हम ऑमलेट। जनाब इधर अंडा बन रहा है तो हम ये बन जो है साइड पे रखना शुरू कर देते हैं ताकि ये भी गर्म हो जाए साथ साथ ही।
ऑमलेट बन चुका है, शामी भी बन चुके हैं और ये बर्गर भी हमने थोड़े थोड़े से इन्हें गर्म कर लिया है। तो अब इसके ऊपर जो हमने सैलेड अनियन रिंग्स काटे थे और साथ में ये बंद गोभी लगाते हैं, सारी बर्गर की तैयारी शुरू करते हैं। अब मज़ेदार शामी अंडा बर्गर रेडी हैं। एक मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। मेरी रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है जी। मज़ेदार शामी अंडा बर्गर देखिए, उसकी लेयर सारी प्रोमिनेंट हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। ठीक है, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपके कैसे बने। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।